दोस्तों, मैथमेटिक्स जोड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। चलें आज हम सब पढ़ते हैं LNMU दरभंगा के मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स लूँ LNMU से करूँ, इसके लिए देखते हैं पार्ट वन में, BSc पार्ट वन में क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस की जानकारी पहले हम ले लें। हाँ, तो सबसे पहले देखिए पार्ट वन जो है आपका, वो दो पेपर में डिवाइड है, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन में आपको चार बुक पढ़ना है, पेपर वन में चार बुक पढ़ना है, आप देख रहे हैं। और पेपर वन में चार बुक है, पेपर टू में हमको पढ़ना है तीन बुक। ये तो पेपर वन में जो ये चारों बुक है उसका नाम सेट थ्योरी अलजेब्रा, सेट थ्योरी हुआ, अलजेब्रा हुआ, मैट्रिक्स हुआ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये चार बुक हमको पढ़ना है पेपर वन के लिए। और पेपर टू के लिए हमको पढ़ना है तीन बुक। ये है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन, वैसे ही एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन, फिर आ गया आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री, तीन बुक। तो तीन बुक आपको पढ़ना है पेपर टू के लिए और चार बुक पढ़ना है आपको पेपर वन के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन जो आएगा आपका पेपर वन के लिए, क्वेश्चन आते हैं आपको दिया रहेगा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में से हमको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 12 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, तो पेपर वन में सिर्फ थ्योरी से आपको आएगा 3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से आपको आएगा 3 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 3 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका 12 क्वेश्चन है जिसमें से 6 क्वेश्चन हमको बनाना है। इसी प्रकार पेपर टू में देख रहे हैं आप तीन बुक हैं, तीन बुक में ये आप 12 क्वेश्चन इसमें भी रखते हैं। 12 जो पेपर बुक नंबर वन क्या है आपका, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन से आएगा आपका 4 क्वेश्चन, थ्री डायमेंशन से आया आपका 4 क्वेश्चन, और हायर ट्रिगोनोमेट्री से आया आपके पास 4 क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी 12 क्वेश्चन है जिसमें से हमको 6 क्वेश्चन बनाना है, ये सॉल्व करना है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क जो आते हैं आपका, फुल मार्क होते हैं 100 मार्क का होते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका थ्योरिकल पेपर, थ्योरिकल पेपर 90 मार्क का होता है, और भाईवा पेपर जो है ये आपका 10 मार्क का हुआ, यानी टोटल मिला के 100 मार्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए।